श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीएस एडवांस फार्मिंग चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था शब्दकालीन गन्ना के ऊपर, उसमें आपका काफ़ी स्नेह और प्यार मिला, काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी दोस्तों ने पूछा, किसान भाइयों ने पूछा कि जो है आपने जो है गन्ना बहुत बड़ी है, आपने इसमें क्या क्या डाला है दोस्तों। तो उसमें दोस्तों जो है पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गन्ना जो है इसकी आप एक बढ़वार देखें कितनी बढ़िया हुई है और आप देख सकते हैं दोस्तों कितने गन्ने हैं इसमें और सारे स्वस्थ गन्ने हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी जो है इसमें चिल्डिंग हुई है और ये मैंने सामान्य विधि से दोस्तों लगाया था 3.25 फीट जो है इसकी जो इस लाइन से लाइन की दूरी है और जो है इसमें 2 आँख के टुकड़ों का गन्ना का प्रयोग किया था मैंने दोस्तों। ये एक अक्टूबर 2020 को लगाया था दोस्तों मैंने और इसमें जो है मैंने एक दोस्तों एक मैंने बैलेंस जो है इसमें उर्वरक प्रयोग किए हैं दोस्तों। जैसे कि जैसे हम अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए काफ़ी जो है हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इस तरीके से फसल जो है इसको भी काफ़ी जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं दोस्तों, काफ़ी जो है चीज़ें जो है इसको चाहिए होती हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने बैलेंस डाइट जो है इसको गन्ने को दी है, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ ध्यान दिया है दोस्तों। इसमें मैंने जो है इसको सल्फर भी दिया है, इसमें कैल्शियम भी डाला है दोस्तों और इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दिए हैं और इसमें दोस्तों मैंने जो है अजवाइन भी डाला है 10 kg पर एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से जो है दोस्तों मैंने एक बैलेंस डाइट दी है और जो यूरिया का प्रयोग किया मैंने 3 टुकड़ों में किया है। पहला जो है मैंने 25 kg जो है बुआई के समय डाला था, उसके बाद मैंने फरवरी माह में और तीसरा जो है अप्रैल माह में, तो तीनों जो है मैंने 3 बार इसको यूरिया का प्रयोग किया। दोस्तों आपसे एक निवेदन मेरा यही है कि आप जैसे जब भी यूरिया का प्रयोग करें उसको टुकड़ों में प्रयोग करें और दूसरा है कि छिड़काव विधि का प्रयोग ना करें। जैसे भी आप छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं तो छिड़काव से आप उर्वरक डालते हैं उसमें क्या होता है कि आपको उर्वरक काफ़ी जो है उसका लॉस हो जाता है, वो जो लाइनों के बीच में पड़े रह जाते हैं उसका प्रयोग खरपतवार कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा एक ये आपसे मैसेज है कि जो है यूरिया का प्रयोग कम से कम करें और इसको एक बैलेंस में करें, जितना भी इसको पौधे को आवश्यकता है उतना यूरिया दें। और मैंने इसको जो है यूरिया बड़े हिसाब से दिया है तो दोस्तों इस तरीके से। और दूसरा ये है कि जैसे भी आप यूरिया जो है ज़्यादा डालते हैं तो उसमें जो कीटों का जो है प्रकोप लगने की संभावना अधिक हो जाती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं गन्ने को कि गन्ना जो है कितना बड़ा हो गया दोस्तों और मेरी हाइट के बराबर हो गया दोस्तों गन्ना और मेरी हाइट से भी ऊपर हो गया दोस्तों और ये देख सकते हैं। तो इस ये जो है सारा मेरी एक बैलेंस डाइट भी है, दूसरा कि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है और इसमें पूरा समय दिया है दोस्तों। तो मैं इस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ और आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ और आप जो है इस तरह अपने और प्यार कर बनाए रखना और अपना जो है इसको मुझे जो है अपना प्यार देते रहना और मैं नई से नई वीडियो लेके आपके पास हाजिर होता रहूँ दोस्तों। मैं एक नई वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा पेडी गन्ने के ऊपर, क्योंकि मैंने कैसे ही पेडी पर गन्ना जो है उसका प्रबंधन किया है। तो दोस्तों जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है तो आप अपना स्नेह और प्यार बनाए रखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नमस्कार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरा व्यू देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ गन्ने का कितना जो है इसमें कितना बढ़िया गन्ना खड़ा है। और दोस्तों जो है आप जो है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नमस्कार दोस्तों।